जय शिवाल जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे आप सभी लोग? मैं सही हूँ, तुम भी सही हो ना? हाँ, मुझे पता है सर्दियाँ चल रही, थोड़े बहुत तो तंदुरुस्त हो गए, बट मतलब स्वस्थ नहीं हो गए। मैं तो स्वस्थ हूँ अभी, तुम्हारा मुझे पता नहीं, क्योंकि सर्दियों में देखो मैं कुछ कह नहीं सकता तुम्हारे बारे में, ना मैं खुद के बारे में ज्यादा कुछ कह सकता। तो फिलहाल अभी मैं आया हुआ ननिहाल मेरे, मैं मम्मी लिशा और आज मैं नानू मासी के दोनों बच्चे या कुनाल। तो आओ दिखाऊं बाहर का नजारा क्या है ननिहाल, मुझे सर्दियों में क्यों पसंद है, चलो दिखाता हूँ। 3 2 1 भाई बाहर हो रही है धुंध भाई साहब। यहाँ मामी जी अपनी और बाहर हो रही है मस्त धुंध, जाने की हिम्मत ही नहीं कर रही मेरी तो भाई, सोख सी नहीं पह रहे, कैसे जाऊं? देखो कितनी हो रही, देख लो आप, आपके सामने है। ओके भाई चलो, फिलहाल अपनी रजाई और मैं आज अपन देसी व्लॉग है अपना, थोड़ा देसी टाइप व्लॉग बनेगा आज। तेरी धुंध धुन तो और बढ़ी जा रही है। और अपने गांव के अंदर क्या होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ। शहरों के अंदर तो हीटर लगाते हैं अपन, गांव के अंदर देसी हीटर, दिखाऊं देसी हीटर क्या होता है? यस, ओ माय गॉड इतनी गर्मी, आज गर्मी बहुत है क्या होता हूँ। और गांव के अंदर देसी हीटर होता है, क्यों भी नाम देसी हीटर होता है ना, गांव के अंदर देसी हीटर होता है ना, ये देसी हीटर ओरिजिनल देसी हीटर किन दिखा रहे हैं। और ये अपनी नानी हेरिटेज, हाय करो नानी। हाय नाना, आप भी करो हाय। हाय नाना, कुछ बोलना चाहेंगे बोलो नाना। ओरिजिनल प्योरली हेरिटेज देसी हीटर जिसने लाखों साल तक इंसान को गर्मी दी है, सर्दी से बचाव किया है। अब आज के मॉडर्न साइंस में ये रूम हीटर बिजली के लिए और ये सब डेंजरस चीज हैं, तो लेकिन शहर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये खाली देहात में गांव में ही उपलब्ध है, या फिर जो वनवासी हैं जंगल में रहते हैं उनके साथ ये उपलब्ध है, लेकिन सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, इससे नफरत भी करता है, धुआं देता है ये, लेकिन ये जीवन है, इसने लाखों साल तक जीवन दिया है मनुष्य को, पशु को। धन्यवाद देसी हीटर देसी नाना। क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा शहर वाले मत बनो, अपने हिंदू संस्कृति को भूल गए क्या? तुलसा दिवस बनाते हैं उसी दिन जिस दिन तुम क्रिसमस मनाते हो, पागल हो चुके सब। मैं क्रिसमस कुछ नहीं बनाना चाहिए है ना, पूरा देसी बनो ठीक है, भूल गए इंडियंस को। और ये अपना रौनक भाई, हाय करो रौनक। हाय हाय। और अपनी मम्मी भी इधर, ये कहाँ पर है हमारी मम्मी? ये रही हमारी मम्मा, ये रही हमारी मामी जी। भाई फिलहाल मैं भी छत पे बैठा हूँ, छत पे तीन रूम है उनमें। ये देखो भाई पीछे अपना 50 पतंग, और ये अभी कान डाल रहे हैं, ये अपना कुणाल भाई, आए करो कुणाल। हाय। और वाह यार ये देखो सिस्टम है कुणाल का, ये रौनक भाई। हाय। और अभी भी बाहर का कोहरा नहीं गया है, ये देख लो, देखो दिख रहा है ना, ये देखो दिख रहा है, नहीं गया भाई नहीं, कुछ कोई बदलाव भी नहीं है। और ये हमारा दिखा दूंगी, ये दिखा दो मान जा अपना, ठीक है। इसको भी हम अभी चरखी में भरेंगे पूरा, और फिर मैं वर्सेस कुणाल होगा, मैं अकेला उड़ाऊंगा, मेरी चरखी या पकड़ लेगी उसका रौनक पकड़ लेगा, मैं उड़ाऊंगा। अच्छा तू भी उड़ा लेना कुणाल की, और कुणाल, अरे यार ये क्या हो रखा है? अच्छा हाँ कचौरी खाई थी ना अभी, पूरे पी यहाँ योता भी गाँव और नानी अपनी, और वहां पर आश्रम है एक, वो जो है ना, हाँ ये
और वो भाई वो मुश्किल काम पता उड़ाएगा बंदा भाई उड़ गई एक जन और उड़ा रहा है वहां से, कह रहा था पेज से लड़ेंगे, हवा चलनी चाहिए पेज के से लड़ेंगे नहीं थे। चलो अम्मे नन्ने पेड़ भी लगा रखे हैं ये देखो। और ये रही अपनी मासी, मासी आए बोलो हेलो। ये रही मम्मी, ये लो भाई मम्मी मासी और साथ में एकदम सेम लगती है देखो, हिया और कुणाल। मैं दोनों को ऊपर चढ़ा दिया है, इसके ऊपर चढ़ा दिया। अरे सुला आर्डर हो गया नहीं तेरे यहाँ। इस फिलहाल मैं ऊपर रूम में आ गया और यहाँ लेटा हूँ। ये देखो आएगा, ये अपना रौनक बैठा है जो पढ़ रहा नहीं है, बस वो किताब खोल के बैठा है। इसने कहा कि मेरी वीडियो बनाओ। फिलहाल मैं और गुंजल हैं तो ऊपर की तरफ। भाई ये देखो क्या ही लुक। और ये आश्रम में बता रहा था ना, ये है वो आश्रम। नया ने बनाया ओरियो केक, कैसा है? बहुत अच्छा है। पतंग का भाई अलग ही नशा चढ़ गया है। वो देखो गयो गयो सची मन तो कौन दिख रहे हो भाग गया। लो भी पतंग ही काट दी। बहुत बढ़िया भाई, कुणाल अपना सिकर का बंदा है। सिकर वालों को तो आएगी पतंग उड़ानी। क्यों भी सिकर वालों, इसी बात पे लाइक कर दो। फिलहाल हम सब बैठे हैं भाई, खाना कुना खा लिया है। यार बोर नहीं लग रहे देखो, और अब तक सही नहीं है। ये देखो लिख रहा है ना वो टॉपे लाली लाली रूल नहीं है यार, फट गए। क्यों भी अभी रात की बज रही है, कितनी बज रही है? 10:30 रात की बज रही है 10:30। और ये मास्क पहन रखा है नकुल भैया का, और ये टॉपी। और आज हमने एक मूवी भी शूट करी, वो देखनी है तो उसके लिए 10 कमेंट चाहिए मुझे। हाँ हमें वो मूवी देखनी है, तभी मिलेगी वो मूवी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है 10 कमेंट आने चाहिए तभी वो मूवी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक मूवी बनाता हूँ न्याला। ये और उसका पार्ट 3 का आप वेट कीजिए। ये क्या वेट करेंगे, 10 कमेंट आएंगे तो पार्ट 1 2 3 तीनों डालूंगा शॉर्ट्स में। ठीक है इतनी छोटी छोटी आप देख लो भाई, तुम्हें देखनी है तो 10 कमेंट चाहिए पूरे के पूरे इसी ब्लॉग पे। मुझे 10 कमेंट चाहिए पार्ट 1 2 3 लास्ट होगा। ठीक है पार्ट 1 2 3 तीनों चाहिए, और अगर पार्ट 1 2 3 तीनों मुझे मिले तो तभी तुम्हें मैं मतलब 10 कमेंट 10 कमेंट आए तभी मैं तुम्हें वो पार्ट 1 2 3 दिखाऊंगा। प्लीज 10 कमेंट अगर वो मूवी देखनी है, वो तो नहीं मैं खुद बनाता हूँ मूवी खुद, छोटी छोटी शॉर्ट्स मूवी। गोलू गुंडा नाम है मेरा उस मूवी के अंदर। ठीक है और ये अपने डायरेक्टर है, हाय करो डायरेक्टर मैम। हाय डायरेक्टर है, और हम दोनों कैरेक्टर हैं, और ये बैकग्राउंड कैरेक्टर। ठीक है एक्टर यार ऐसे धीरे सी क्या बोले, तेजी बोल लेती, गलती तो होती है। ठीक है 10 कमेंट पूरे के पूरे 10 कमेंट भाई। फिलहाल नेहा मेरे लिए कुछ बना रही है, क्यों मैं नेहा? और चलो भाई ये मेरा फोन लेके जा रहे हैं, पता नहीं मेरे फोन के साथ क्या करेंगे। ले जाओ मिलो ला। तो भैया सब सो गए भाई, वो भैया सो गई है कुछ, ये कुणाल अपना ये तो भाई चलो लोग अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बुलबुला सब की जय।